हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैंने बनाई है एक न्यू डिजाइन। देखिए कितनी अच्छी लग रही है, कितनी प्यारी लग रही है। ये इसे बनाना बहुत ही आसान है। ये मैंने दो साड़ियों से बनाई है और ये दो साड़ियों की डिजाइन बहुत अच्छी लगती है। तो इस तरीके से मैंने ये नोट लगाई है और दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस और ये अट्ठाईस। अट्ठाईस फंदों का देखिए मैं डोरमेट बनाने जा रही हूँ। काफ़ी बड़ा हो जाता है ये भी वाला। तो पहले हम एक नॉट लगाएंगे और इसमें कुछ भी नहीं करेंगे, सॉरी एक नॉट लगाकर फंदा डालेंगे और इसमें कुछ भी नहीं करना है। इस तरीके से एक रो हम सादा लगाएंगे। ये इस तरीके से सादा रो लगाएंगे। बहुत ही आराम से मैं आपको बता रही हूँ, अच्छे से आप सीख जाएंगे। ऐसे बता रही हूँ मैं आपको, आप मेरी पूरी वीडियो देखें और आसानी से आप अपने डोरमेट के डिजाइन बनाएं और सीखें। इसमें मैंने इस वाली रो में कोई फंदा घटाया नहीं, कोई फंदा बढ़ाया नहीं, सिर्फ ऐसे ही हम अपने फंदों को बनाते जाएंगे। बहुत सुंदर लगती है इस तरीके से, इस डिजाइन में डोरमैट बनता है तो बहुत सुंदर लगता है। देखिए ऐसे, इसमें मैंने कोई फंदा घटाया नहीं, कोई बढ़ाया नहीं, सिर्फ एक रो सादा लगाई। ध्यान से देखना, इस वाले फंदे को मैंने नहीं बुना, इस वाले फंदे को मैंने नहीं बुना। यहाँ से अपना दूसरे फंदों से कली को बनाना स्टार्ट किया। इधर की साइड में भी हमने दो फंदे छोड़े ये वाले और यहीं से धागा अपनी तरफ ले लिया। देखिए मैंने फिर से बनाना शुरू कर दिया। दो फंदे मैंने ऊपर की तरफ छोड़े, दो फंदे मैंने नीचे की तरफ छोड़े। इधर की साइड में मैंने दो फंदे पहले छोड़े थे बिना बुने हुए और दो फंदे मैं अब की बार छोड़ूंगी। देखिए इस तरीके से ये दो फंदे मैंने छोड़ दिए। अब यहीं से देखो, दो दो करके चार फंदे छोड़े मैंने यहाँ से। अब देखिए इधर की साइड में आएंगे तो फिर से दो फंदे छोड़ेंगे। इसी तरीके से दोनों तरफ से दो दो फंदे छोड़ते हुए बीच में आएंगे और फिर मैं आपको बताऊंगी क्या करना है। इधर की साइड में दो फंदे छोड़कर और दिखाती हूँ आपको। देखिए ये दो फंदे मैंने फिर से छोड़ दिए।
अब इधर की साइड में छोड़ेंगे। तो ऐसे ही दो दो फंदे छोड़ते हुए दोनों तरफ से थोड़ा सा बनाकर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए अब क्या करेंगे, धागे को अपनी तरफ लेंगे और यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। देखिए तो अब मेरे ये दो दो करके सभी फंदे छूट गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और देखिए इधर की साइड में कितने फंदे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये फिक्स आधे किए हैं मैंने। तो अब क्या करते हैं, देखो दूसरा कलर लगाएंगे। इस वाले कलर को हम यहीं पर रहने देंगे ऐसे। देखिए इस तरीके से, अब ये ऐसे दूसरा कलर लगाएंगे। देखिए ऐसे ही इसे हम बुनते जाएंगे आधे फंदों को, 14 फंदे बनाएंगे। और सभी को मैंने ये दो दो करके छोड़ दिया था। देखिए अब क्या करते हैं, अब यहां से धागे को अपनी तरफ लेंगे, इस वाले फंदे को हम उतारेंगे, दूसरे फंदे से बनाना स्टार्ट करेंगे। अभी तो इधर की साइड से हम सभी फंदों को बनाएंगे। सभी फंदों को बना लिया है मैंने, अब की बार से हम दो दो करके फंदे को छोड़ेंगे। देखिए ध्यान से देखना, इस वाले फंदे को हम सीधा ही लेंगे ऐसे ऐसे सीधा लेंगे, ताकि हमारी ये इस वाले फंदे को उतारेंगे ऐसे और दूसरे फंदे से बनाना स्टार्ट करेंगे। अब क्या करेंगे ध्यान से देखना, दो फंदे छोड़ दिए फिर से मैंने, तो इसी तरीके से दो दो फंदे छोड़ते हुए यहाँ पे आएंगे, फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करें। तो देखिए मैंने दो दो करके सभी फंदों को छोड़ दिया है, आपको दिख रहा होगा सभी फंदों को मैंने दो दो करके छोड़ा है। अब ध्यान से देखना, इस वाले फंदे को हम उतारेंगे, क्योंकि ये वाली यानी किनारी अच्छी नहीं आएगी। अगर हमें किनारी को सेट लेना है तो इस तरीके से एक फंदा उतारेंगे, दूसरे फंदे से बनाना शुरू करेंगे। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गैप है, तो हम एक फंदा यहाँ से उठाएंगे और दूसरे फंदे के साथ बना देंगे। देखिए एक फंदा और लेंगे और यहीं से अपने धागे को मोड़ लेंगे। देखिए इसे हम सीधा ही लेंगे ऐसे, फिर से इसे उतारेंगे, इसे बनाएंगे, दो फंदे और बनाएंगे। इसमें गैप है आपको दिख रहा होगा, तो एक फंदा उठाएंगे यहाँ से और दूसरे फंदे के साथ इस तरीके से बना देंगे। देखिए अब एक फंदा इसे भी बना लेंगे। इस वाले फंदे को हम सीधा ही लेंगे, जैसे हमने ये वाले फंदे बनाए हैं, मैंने आपको दिखाया है बनाकर, वैसे ही इन वाले फंदों को भी व्हाइट कलर तक बना लेंगे।
फिर मैं आपको दिखाती हूँ क्या करना है। तो देखिए मैंने ये वाली कली भी बना ली है, एक ये वाली कली बन गई, एक ये वाली बन गई। अब क्या करेंगे ध्यान से देखना, रेड कलर का फंदा यहाँ से उठाएंगे और व्हाइट कलर के फंदे के साथ इसे बना देंगे इस तरीके से। ये बन गया। अब सभी फंदों को हम रेड कलर से बना लेंगे। ये मेरी अब रेड कलर की दूसरी कली बनने जा रही है। इस वाले फंदे को हम सीधा ही लेंगे। इस वाले फंदे को उतारेंगे और देखिए मैंने बहुत ही प्यार से यानी आराम आराम से आपको ये इस वाली वीडियो को मैंने बताया है। आप मेरी पूरी वीडियो देखें तो बहुत ही आसानी से आप बना लेंगे। अब यहाँ पे जो भी ये वाले फंदे हैं इन्हें भी हम बनाते जाएंगे। अब की बार के सभी फंदों को बनाएंगे क्योंकि ये मैंने दो दो करके छोड़े थे, वो वाले फंदे हैं देखो। अब क्या करेंगे, एक रो मैंने सादा लगा ली, आपको दिख रही होगी सादा रो लगाई मैंने। तो देखिए अब मैं दूसरी कली बनाने जा रही हूँ। इधर की साइड से हम ये फंदे बनाते जाएंगे। देखिए यहाँ से अब ये दो वाले फंदे मैं नहीं बुनूंगी, धागे को अपनी तरफ यहीं से ले लूंगी। ये दो फंदे मैंने नहीं बनाए, ऐसे ही इधर की साइड में दो फंदे नहीं बनाएंगे। इसी तरीके से जैसे हमने ये वाली कली बनाई थी दो दो फंदे दोनों तरफ से छोड़ते हुए वैसे ही बना लेंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए इस तरीके से ये डोरमेट की कलियाँ बनती जाएंगी और गोल डोरमेट बन के तैयार होगा। मगर इससे ज़्यादा मैं नहीं बना रही हूँ क्योंकि छोटी सी वीडियो में मैं आपको बड़ा सा डोरमैट आप बना सकते हैं इस वाली वीडियो को देखकर। तो देखिए कितनी अच्छी कलियाँ आई हैं इसकी और बहुत अच्छा लग रहा है ये। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।